तीन साल की इंस्टॉलमेंट ली है और आपका जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा लगता है मतलब कि जो भरने पड़ते हैं आपको, वो ये ऑटो आपको महीने में निकाल के देता है क्या? तो भाई आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो ट्रियो एसएफटी है महिंद्रा का, ये आपने ऑन रोड कितने में खरीदा है? 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपको इसमें दिक्कत क्या लगी? चलने की अगर बात करें तो ये आपको कितनी रेंज निकाल के देती है मतलब कि एक बार चार्ज करने के बाद? फाइनली आज हमारे साथ है महिंद्रा का ट्रियो और इस ऑटो के बारे में आज हम फुल डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। और भाई आज हमारे साथ है, भाई आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम मोहम्मद सुहेल मोहम्मद मोहसिन। तो भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये ट्रियो है ये कब खरीदा और कितने दिन हो चुके हैं इसको? देखो तो इसको लेने के लिए 2 महीने हो गए, ये तीसरा महीना लग गया है। मतलब दो इंस्टॉलमेंट मेरी चले कट गई है। दो इंस्टॉलमेंट मतलब लोन लिया हुआ है ना आपने इसके ऊपर? 16 महीने से लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर 3 महीने लगभग आपको इसको यूज किए हुए हो चुके हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो चुके हैं, और आपका 3 महीने का जो इसका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा है इसका, इसकी ये गाड़ी तो अभी ऐसा समझो अकोला में बहुत हो गई है और बहुत मजा आ रहा है ये गाड़ी के अंदर। ठीक है, और एक बार मैं इसको फुल आपको दिखा देता हूँ पूरी तरह से इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर से भाई के साथ बात करेंगे। आपके हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है तो वो कैसी है मतलब कि मजबूती कैसी है इसकी? बहुत मजबूती है गाड़ी के अंदर, ऐसा लगता है ऊपर से कि बस फाइबर की गाड़ी है, इसको चलाए ना तो बहुत अच्छी, चलने में भी बहुत अच्छी है और 3 घंटे चार्जिंग। और चलने की अगर बात करें तो ये आपको कितनी रेंज निकाल के देती है मतलब कि एक बार चार्ज करने के बाद? एक बार अगर चार्ज कर लो इसको 3 घंटे चार्जिंग करो, 130 किलोमीटर चार्ज हो जाती है। मतलब 130 किलोमीटर चल जाती है और फुल चार्ज कितने में हो जाती है? 3 घंटे में। सिर्फ 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और 130 किलोमीटर चल, मतलब कि जो पिंगियो का ऑटो है उससे ज्यादा ये चल जाए, ज्यादा ही चलती है और उसको चार्ज होने में ज्यादा टाइम भी लगता है। 130 किलोमीटर अपन कहीं चले गए तो और 3 घंटे चार्जिंग करके और 130 किलोमीटर जा सकते, मतलब कि 130 किलोमीटर के रेंज आपको आराम से निकल के देगी और 3 ही घंटे इसको चार्ज होने में लगते। तो भाई आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो ट्रियो एसएफटी है महिंद्रा का, ये आपने ऑन रोड कितने में खरीदा है? मेरे को तो ये लगभग 3,85,000 का पड़ गया है। 3,85,000 का? हाँ, इंस्टॉलमेंट से लिया। और आपकी जो महीने की इंस्टॉलमेंट होती है वो कितने रुपए रहती है? 9,045। 9,000 रुपए, मतलब कि आपने ज्यादा चूज की हुई है। हाँ। और पहले जो डाउन पेमेंट रहता है वो आपने कितना भरा है? वो मैंने 70 भरा है। 70,000 रुपए? हाँ। सिर्फ 70,000 रुपए भर दिए और आपको अब 9,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट मेरी आ जाएंगी अभी। और कितने महीने की इंस्टॉलमेंट है ये? वो 36। 36 महीने की, मतलब कि 3 साल से ज्यादा शायद? 3 साल। 3 साल? 3 साल की इंस्टॉलमेंट ली है। और आपका जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा लगता है मतलब कि जो भरने पड़ते हैं आपको, वो ये ऑटो आपको महीने में निकाल के देता है क्या? हाँ, निकाल के देता है। आराम से निकाल के देता है 20,000 रुपए, 15,000-20,000 रुपए आराम से निकाल के देता है। तो आप खुश है इसको लेने के बाद? खुश है, आप बहुत ज्यादा खुश है। और ठीक है, अच्छा है, ये ऑटो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और हमारे जो व्यूवर्स है वो भी डिमांड कर रहे थे इस ऑटो के बारे में ओनरशिप रिव्यू करने का, और भाई हमें नसीब से मिल गए और भाई अब सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मुझे ये बताइए कि जो ये ऑटो है अब तक आपने चला लिया है, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपको इसमें दिक्कत क्या लगी अब तक? कोई दिक्कत नहीं आई मुझे तो। कोई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी? कुछ भी नहीं आई है कुछ से। और पावर की आपको कुछ कमी नहीं लगती? कोई कमी नहीं है इसमें। आप इसमें आराम से 3 से 4 लोग बिठा के ले जाते हैं? 4 लोग बैठाता हूँ मैं। 4 लोग बिठा दिया और कहीं भी चले जाते हैं? इसको बनाऊंगा तो 8 सवारी बैठ जाती है। मतलब कि क्या बनाने वाले हैं आप इसमें? यहाँ से सीट बनाऊंगा मैं इसको। हाँ, 5,000 रुपए। मतलब कि पावर का कोई इसमें कमी नहीं है? नहीं। और आपका जो मेंटेनेंस का खर्च आता है वो कितना आता है? नो मेंटेनेंस है। मतलब कि जीरो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का खर्च कुछ नहीं आता? नो मेंटेनेंस। और यहाँ पर अगर कोई चीज यहाँ पर खराब हो जाए तो कंपनी की तरफ से क्या? कंपनी को फोन कर दो, बता देती है कंपनी, बता देती है। और शोरूम पे ले जाना पड़ता है या शोरूम पे भी नहीं, कंपनी का आदमी आ जाता है? मतलब कि आपका कहना है कंपनी का आदमी घर पे आता है, खुद सर्विस करके देता है। अब तक आपकी कुछ चीज खराब हो गई होगी? एक चीज पीछे की मेरी खराब हुई थी। क्या हुआ था? पिन निकल गई थी। पिन निकल गई थी पीछे की? पिन लगाने कंपनी के आदमी आए थे 2। और कितने दिन में आते हैं वो? घंटा भर का टाइम, या 2 घंटे के अंदर कंपनी का आदमी आ जाता है? 1 घंटे का टाइम देते हैं। ठीक है, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे का आप मुझे अंदर का कुछ बता दीजिए इसके। ये देखिए आप, मैं आपको बता दूं इसकी चाबी बता दीजिए सबसे पहले। ये चाबी है इसकी, ये ऑन कर दिए अपने, ये ऑन कर दिए। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल वाला है ये। देखिए आप,
114 किलोमीटर अभी मेरी गाड़ी में बाकी है, 114 किलोमीटर और जा सकता मैं। 12 बजे से निकला हूँ मैं, ये 3975 मैंने गाड़ी चलाया, मतलब कि 4000 लगभग आपने गाड़ी चला दी है 3 महीने में, बहुत ज्यादा चलाई है। और ये इस तरह से है और ये 114 किलोमीटर ये चल जाएगी। हाँ, अभी और चल जाएंगी 114। कल रात को आपने इसको चार्ज किया था। हाँ, और भाई ये जो बटन है किस चीज का बटन है? ये इसका, ये देखो क्या बोलते हैं, वाइपर का, वाइपर का है ये, वाइपर का है। हाँ, ये दोनों इंडिकेटर चालू होते हैं एक साथ। और ये लाइट का है, यहाँ पर ये रेड बटन जो है ये ऑफ, एफ जो है ऑफ है, और ये न्यूडल हो गई गाड़ी। अभी आर पे कर देंगे तो न्यूडल हो जाएगी गाड़ी, रिवर्स जाती है, बैठे बैठे ना उतरना पड़ता है ना चढ़ना पड़ता है, आवाज होती है पीछे। हाँ, ये आवाज होती है, रिवर्स अगर करो ना तो ये आवाज होती है। और ये बी का बटन है, ये स्पीड है, बी पे रहेंगी समझ लो स्पीड है 60 की स्पीड, फुल स्पीड में भगा सकते तुम। और ये ई है, ई पे कर देंगे तो स्लो हो जाएंगी थोड़ी, जैसा स्लो चलेगी। इकोनॉमी मोड कहते हैं इसे, और इसे बूस्टर मोड कहते हैं शायद। और यहाँ पर जो ये बटन है, ये इंडिकेटर का बटन है और ये राइट का हॉर्न है, सॉरी हॉर्न है इसका। और बाकी ये सारी चीजें चार्जर का दिए कंपनी, और यहाँ पर देखिए चार्जर का भी कंपनी ने दिया है। यहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन को, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर ऑयल है। ब्रेक ऑयल अपने को अगर ये खत्म होगा तो ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा बस ब्रेक। और वो कितने का होता, वो क्या 50-60 रुपए का। और यहाँ पर ये क्या है, ये ब्रेक है, चाबी है बस, बाकी कोई चीज इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा वाली नहीं है, कुछ नहीं। पीछे जो है स्पेस भी काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है आपको, आराम से। और सीट कवर भी काफी, सीट भी काफी ज्यादा अच्छी है, कम्फर्टेबल है, ऊपर ग्रिप भी है। और जो लोग कहते हैं इसमें जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो लेकिन मैं इसको खुद से देख रहा हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफी ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसी कमजोर सी चीज आपको नहीं लगेगी इसमें। मैं खुद से इसकी बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ, और ये नीचे से जिसकी ऊंचाई है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। भाई बता रहे जीरो मेंटेनेंस है, उनको मेंटेनेंस भी नहीं लगा, और 3.5 लाख के आसपास ये आपको गिर गई है, तो उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है, उनकी अलग चीज है। अगर आप कैश लेंगे भाई तो कितने में मिलेगी आपको? कैश में, कैश तो 2.85 285 की ये कैश में आपको मिल जाएगी, मतलब कि ज्यादा आपको खर्च नहीं आने वाला, और जो आपका पैसा है वो पूरा इसमें निकल आएगा। बाकी इसके टायर की साइज भी आप देख सकते हैं, हेडलैम्प्स भी आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से ये जो है ट्रियो SFT है, या फिर महिंद्रा का ट्रियो आप इसको कह सकते हैं। हमने इसकी एक राइड भी ली हुई है जो कि आप देख सकते हैं, और ये जो भैया बैठे हुए हैं इसके नीचे शायद भैया इसकी बैटरी है। हाँ, ये बैटरी है, इसके नीचे बैटरी है, हैंड ब्रेक है यहाँ पर, ये हैंड ब्रेक खींच लेंगे ना तो ये हो जाए। तो ठीक है भैया, इस तरह से है, ये हमारा महिंद्रा का ट्रियो है। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसको खरीद सकते हैं। भाई ने इसके बारे में फुल डिटेल तो हमें दे दी है, अगर आपको इस ऑटो के बारे में और डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम भैया का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि भैया ने हमें इसकी इतनी सारी डिटेल्स शेयर की।